आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है मेरे पास गूगल एडसेंस पिन। जब हमारे चैनल पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस की तरफ से हमें इस तरह का एम्बुलप भेजा जाता है जिसमें 6 डिजिट का गुप्त कोड होता है जिसे फिल करके हम लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमारे चैनल पे $10 कंप्लीट होता है उस समय गूगल एडसेंस की तरफ से आपके लिए इस तरह का एक एम्बुलप आएगा जिसके अंदर 6 डिजिट कोड होता है और आप इस कोड को फिल करके अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह गूगल एडसेंस पिन को फिल करके आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं सुधा त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को गूगल एडसेंस पिन से किस तरह आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे इसके बारे में लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। जब हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 वाच टाइम घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हम लोगों को अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद जब हमारे एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो उस समय हम लोगों के एड्रेस पे एक पिन आता है गूगल एडसेंस की तरफ से, एक इस तरह का एम्बुलप भेजा जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो कभी कभी 1 वीक में आ जाता है, कभी 2 वीक में, कभी कभी 1 मंथ भी लग जाता है। इस तरह का एम्बुलप भेजा जाता है डिलीवर होने में। हमारा फर्स्ट चैनल का जो गूगल एडसेंस पिन आया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2 गूगल एडसेंस के एम्बुलप हैं। तो ये मेरे फर्स्ट चैनल का गूगल एडसेंस पिन है, ये आया था लगभग 2 वीक लग गया था इसको रिसीव होने में। बट सेकेंड चैनल का मेरा ये गूगल एडसेंस पिन जो हमको कल रिसीव हुआ है ये हमें 1 वीक में ही रिसीव हो गया है। जब हमारे चैनल पे $10 कंप्लीट होता है उस समय गूगल एडसेंस इस तरह का एम्बुलप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। इसके अंदर आपको 6 डिजिट का कोड देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं ये है 6 डिजिट का कोड, इस तरह होता है इसमें, इसके अंदर फिल रहता है 6 डिजिट का कोड जिसको फिल करके हम लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। जब एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ही हम अपने पेमेंट मेथड को कंप्लीट करेंगे जिसमें अपने बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल फिल करना रहता है। और जब हमारे गूगल एडसेंस में $100 कम्प्लीट हो जाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट गूगल एडसेंस की तरफ से रिसीव हो जाता है। चलिए फिर आप लोगों को बताते हैं कि इस गूगल एडसेंस पिन को कैसे वेरीफाई किया जाता है और आप मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए। आप इस तरह एडसेंस अपना ओपन कर लेंगे, उसके बाद ऊपर आपको एक्शन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप नीचे देख रहे हैं 6 डिजिट कोड फिल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप अपना 6 डिजिट का कोड फिल करके सबमिट कर दीजिए और आप लोग ये देख सकते हैं ये कंप्लीटेड लिख के आ गया आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई किया जाता है। बहुत ही इजी होता है, 2 सेकंड का काम होता है, इजीली गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई हो जाता है। बट आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इस पिन को बहुत सावधानी से फिल करिएगा, बहुत केयरफुली फिल करिएगा क्योंकि 3 अटेम्प्ट ही मिलता है इस पिन को फिल करने के लिए। अगर जो आप गलती से रॉन्ग डिजिट फिल कर देते हैं तो नहीं तो 3 टाइम्स के बाद फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप गूगल एडसेंस पिन को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप लोग फिल किया कीजिए और आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर जो आपको ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।